नहीं यार, मैं ये कहती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे लिए वो स्कूल अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम अपनी शॉपिंग और आउटिंग थोड़ी कम करके बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो दो। कोशिश करूंगी। मैंने स्कूल में दोबारा टॉप कर लिया। अरे वाह, वेरी गुड। लगता है आपने अपने पापा की तरह हमेशा टॉप करने की ठान ली है। माशाल्लाह, एक जैन है जो हमेशा टॉप करता है और एक मेरा बेटा है जो बामुश्किलें पास होता है। मामा, मेरे क्या गिफ्ट? बेटा, आपके पापा अभी ऑफिस से आते ही होंगे, फिर साथ चलेंगे। पहले आपको गिफ्ट लेके देंगे, फिर डिनर करेंगे। ठीक है मामा, मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ? नहीं, पहले आप फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर चले जाना। थैंक्स मामा। देखा, मैं पढ़ाई पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करती। जैन के ट्यूटर को भी मेरे बच्चों के लिए रेकमेंड कर दो। वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन सिर्फ ट्यूटर से कुछ नहीं होता, बच्चों को भी एफर्ट करना पड़ता है। वो तो तुम ठीक कह रही हो। अब देखो, जैन की ट्यूटर ही शगुफ्ता के बेटे को पढ़ाने जाते, नतीजा तुम्हारे सामने। हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे तुम? हेलो महरीन। शगुफ्ता कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? आज आ रही हो ना नसीम की शादी में? यही तो बताने के लिए तुम्हें फोन किया था कि आज शादी में नहीं आ सकती। क्यों? यार आज फिर जैन एक ट्रॉफी ले आया है, और तुम्हें तो पता है कि जिस दिन वो ट्रॉफी लेकर आता है तो उसे कोई ना कोई ट्रीट तो देनी पड़ती। अब किस बात की ट्रॉफी? लो, तुम्हें नहीं पता, आज भी तो जैन और हमजा के स्कूल में क्रिकेट मैच था और जैन ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि उसे एक और मजीद ट्रॉफी मिल गई। चलो मुबारक हो। वैसे अब घर में इतनी ट्रॉफीज इकट्ठी हो गई हैं कि मैं सोच रही हूँ कि ट्रॉफीज रखूँ कहाँ। हाँ ये तो है। अच्छा चलो, अब मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, जैन के पापा के आने का वक्त भी हो रहा है और डिनर की तैयारी भी करनी। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या वो जैन घर आया? नहीं, जब से क्रिकेट खेलेंगे उसके बाद से उसको कुछ पता नहीं है, फोन भी बंद जा रहा है उसका। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि उसे घर से बाहर अकेले नहीं जाने दिया करो, कि तुम हो के समझती नहीं हो। आजकल के हालात वैसे ही खराब चल रहे हैं। हेलो, पुलिस स्टेशन? सर मैं जैद बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा जैन शाम से क्रिकेट खेलने गया था लेकिन अभी तक नहीं लौटा। वक्त? 5 बजे। सर 5 बजे वो घर से गया था लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं। क्या 24 घंटे के बाद रिपोर्ट दर्ज होगी? सर 24 घंटे हम क्या करेंगे? सर वो बगैर बताए कभी भी घर से बाहर नहीं गया, उसका मोबाइल भी बंद है। या आप क्या कह रहे हैं कि चार्जिंग खत्म होगी? होगी। एज तकरीबन 11 साल। हेलो हेलो, दवा खराब हो गया इन लोगों का। क्या हुआ, क्या कहा पुलिस ने? 24 घंटे तक वेट करो, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करवाना। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता किसी दोस्त के घर रुक गया हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे जाने थोड़ी देती। सुने आपके दोस्त है ना एसएसपी इमरान, उनसे बात करके देखें। हाँ ये तुमने अच्छा याद दिलाया। हेलो यार इमरान, मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ, मेरा बेटा शाम से घर नहीं आया। पुलिस स्टेशन फोन किया तो वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में रिपोर्ट दर्ज होगी। हाँ हाँ ठीक है, SIB। ओके। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ये केस SIB को रेफर कर रहा है।
या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। पुलिस ने हमें 24 घंटे का वेट करने को कहा है, अब 24 घंटे हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते। उसी पुलिस के आला अफसर ने ही हमें आपका केस रेफर किया, हम आज से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। आपने जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आप हमें ये बताइए कि जैन क्रिकेट खेलने डेली जाता है? जी हाँ, वो डेली 5 बजे क्रिकेट खेलने जाता था। और वापस घर कब तक आ जाता था? 7 बजे से पहले ही घर आ जाता था, और अगर देर हो जाती थी तो वो मुझे फोन कर लेता था। जैन जिन बच्चों के साथ खेलने जाता था उनसे मालूमात लिया आपने? मैंने सब बच्चों से पता कर लिया, उन्होंने यही कहा कि जैन क्रिकेट खेलने आया ही नहीं। यही तो समझ नहीं आ रहा, सबसे फोन करके पूछ लिया, किसी को कुछ नहीं पता। जैन के पास सेल फोन था? जी हाँ था, मैं उसके नंबर पे कब से फोन कर रही हूँ लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। मिस्टर जैद, आप हमें जैन का नंबर दे दीजिए ताकि हम सारा रिकॉर्ड निकलवा सकें। जी ठीक है, मैं जैन का नंबर आपको सेंड करता हूँ। जैन जिस ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाता है वो आपके घर से कितने फासले पर है? घर के पास ही है, वहाँ एरिया के तमाम बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं। हम्मा तुम एरिया के तमाम दुकानदारों से जैन के बारे में मालूमात लो, हो सकता है कि किसी ने उसे वहाँ से आते जाते देखा। ओके, मिस्टर जैद, आपके पास जैन की कोई तस्वीर है? जी हाँ। हो सकता है जैन का किडनैप हो गया। क्या किडनैप? लेकिन जैन का कोई किडनैप क्यों करेगा? ये तो किडनैपर्स की कॉल आने के बाद ही पता चलेगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, SIB आपके साथ है। जी अहमद, क्या रिपोर्ट है? मैंने आसपास के सारे दुकानदारों से पता किया लेकिन किसी को भी जैन की कोई मालूमात नहीं। तो फिर कहाँ गया जैन? कुछ समझ नहीं आ रहा। हो ना हो, ये किडनैपिंग का ही केस है। अगर ये किडनैपिंग का केस होता तो किडनैपर्स ने हमें अभी तक कॉन्टेक्ट जरूर कर लिया होता। हमाद, जैन के कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल्स? मोबाइल फोन कंपनी से कॉन्टेक्ट कर लिया, कल तक सारी डिटेल्स हमारे पास होंगी। हमें मिस्टर जैद के घर जाकर उनसे मिलना होगा, क्या पता किडनैपर्स की कोई कॉल आई। बिल्कुल। जी मिस्टर जैद, किडनैपर की कोई कॉल आई? कोई कॉल नहीं, कोई रब्ता नहीं, कुछ नहीं। मैं जैन से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। हिम्मत से काम लीजिए आप, आपका बच्चा जल्द आपकी नजरों के सामने होगा। मिस्टर जैद, आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? दुश्मनी नहीं, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, और ना ही मैंने और मेरे बच्चे ने किसी का कुछ बिगाड़ा था। हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव हो या फिर कोई फ्रेंड जो आपसे बदला लेना चाहता हो। क्या मतलब? हमारे कहने का मतलब है, हो सकता है आपके किसी दुश्मन ने ही जैन को किडनैप किया। वैसे तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हाँ अलबत्ता कुछ दिनों पहले मैंने अपने बिजनेस पार्टनर से पार्टनरशिप खत्म कर दी। अगर वो ये सब कुछ कर रहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप हमें बताएंगे कि आपने पार्टनरशिप क्यों खत्म की? काफी दिनों से हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। ऑफिस का आउटडोर वर्क मैं संभालता था और इनडोर वर्क मेरा पार्टनर जाहिद संभालता था। एक दिन अचानक आप भी हद करते हैं शाहजी, समझे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया। जाहिद, ये अब नहीं चलेगा। एक मिनट शाहजी, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। क्या नहीं चलेगा? ये जो तुम मुझसे पूछे बगैर अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हो। मैंने तुम्हें कॉल की थी। कॉल की थी लेकिन उस वक्त मैं मीटिंग में बिजी था। तो इसमें मेरी क्या गलती है? देखो जाहिद, एक बात का ख्याल रखना,
ये ऑफिस जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, इसलिए तुम्हें अकेले डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो हमारा साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, हो गया है, और अब बेहतरी इसी में है कि हम दोनों अलग हो जाएं। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है मिस्टर जाहिद। ठीक है, अगर तुमने मुझे तबाह करने का फैसला कर ही लिया है तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसका क्या बिगाड़ता है। जैन लापता है? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है मिस्टर जाहिद। सच सच बताइए, आपने जैन को कहां छुपा रखा? क्या हो गया है आपको? मैं क्यों जैन को छुपाऊंगा? क्योंकि मिस्टर जैद को आप पर शक है। दिमाग खराब हो गया है उसका। मैं भला जैन को क्यों किडनैप करने लगा? वो ऐसी घटिया बात सोच भी कैसे सकता है? हो सकता है कि आप अपनी पार्टनरशिप टूटने का बदला लेना चाह रहे हो। एक्सक्यूज मी, पार्टनरशिप जैद ने खुद अपनी मर्जी से खत्म की थी। और जहां तक जैन की किडनैपिंग का सवाल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं इस्लामाबाद में था। आप चाहें तो तमाम डिटेल्स होटल से ले सकते हैं। और उस धमकी का क्या जो आपने मिस्टर जैद को दी थी? धमकी? कैसी धमकी? उन्हें तबाह बर्बाद करने की धमकी। गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह जाता है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो कर भी गुजरे। हो सकता है आपने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये काम खुद ना किया, किसी और से करवाया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैन बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है। मैं उसे किडनैप करने का क्या, मैं तो उसे डांटने का भी नहीं सोच सकता। ठीक है मिस्टर जाहिद, अभी तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप हमें बताए बगैर इस शहर से बाहर मत जाइए। ठीक है। यार जैन के लापता होने तक का नहीं बताया तुमने मुझे, क्या मुझसे इतनी नफरत करते हो तुम? पर आखिर मेरी गलती क्या है? मेरा ख्याल था कि जैन को तुमने किडनैप किया होगा। क्या बात कर रहे हो जैन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और तुम मुझे मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, और जहां तक जैन का ताल्लुक है, जैन मेरे भी बेटों की तरह है। मुझे ऐसा लगा कि उस दिन के बिहेवियर की वजह से शायद तुम मेरी शक्ल देखना भी पसंद ना करो। या जैद तुम मेरे भाइयों की तरह हो, प्रोफेशनली हमारे दरमियान जितने मर्जी फासले आ जाएं, लेकिन पर्सनली मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सॉरी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि इतना घटिया इल्जाम मैंने तुम पे लगा दिया। कोई बात नहीं, पुलिस में 2-3 मेरे भी जाने वाले हैं, मैं कल ही उनसे बात करता हूँ। तुम परेशान ना हो, जैन मिल जाएगा। हमने जैन के नंबर का तमाम रिकॉर्ड निकलवा लिया है। जैन को लास्ट कॉल इस नंबर से आई थी। ये नंबर तो जैन के स्कूल फ्रेंड साकिब का है। क्या साकिब भी जैन के साथ क्रिकेट खेलने जाता था? नहीं, साकिब सिर्फ जैन का क्लास फेलो है, और वैसे भी उसका घर हमारे घर से काफी दूर है। मे बी साकिब को जैन के बारे में कुछ पता हो। उस दिन मैंने जैन को कॉल इसलिए की थी क्योंकि उसने स्कूल में टॉप किया था। हेलो साकिब, कैसे हो जैन? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कैसे फोन करना हुआ? सबसे पहले तो कॉन्ग्रेट्स, और सेकंड ये बताओ पापा से गिफ्ट क्या मिला? नहीं यार, रात को पापा के साथ डिनर पे जाऊंगा, वहीं से गिफ्ट भी ले लूंगा। अच्छा ये बताओ कि अभी कहाँ हो? यार मैं अभी मामा को बगैर बताए ना
हमजा के घर जा रहा हूँ। क्यों, मामा को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे पापा और हमजा के पापा के बीच में नाराजगी हो गई है, इसलिए वो हम दोनों को भी नहीं मिलने देते। ठीक है, फिर मैं भी हमजा के घर आ जाता हूँ। नहीं यार, अभी हमजा ने मुझे सरप्राइज देने के लिए आया है, तुम आए तो उसे शायद अच्छा नहीं लगे। अच्छा ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके डूड। बस उसके बाद मेरी जैन से कोई बात नहीं हुई। ठीक है इकरा, आप मेरे साथ हैं। साकिब ने बताया है कि उस दिन जैन हमजा के घर गया था। हमजा कौन है? हमजा तो जाहिद का बेटा है, और जैन और हमजा काफी अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब यह है कि साकिब सही कह रहा था, उस दिन जैन हमजा से मिलने उसके घर ही गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? जैन मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता। हमें हमजा को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना होगा। मुझे नहीं मालूम कि जैन कहाँ है। हमजा झूठ मत बोलो, हमें मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे वाकई में जैन का नहीं पता। देखो बेटा, तुम जैन के मुतल्लिक जो जानते हो सच बता दो। देखो सब कितने परेशान हैं। बाबा, मैं वाकई में जैन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हमजा बेटा घबराओ नहीं, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं है। डरो नहीं, शाबाश, सब बताओ क्या हुआ और जैन कहाँ है। शाबाश बताओ। मैं और जैन बहुत अच्छे दोस्त थे, हम लोग साथ मिलके बहुत मस्तियां करते थे, लेकिन जैन मुझसे हर चीज में आगे था, पढ़ाई में, खेल में। इसी वजह से मेरी मामा मुझे बहुत डांटती थी, फिर मुझे जैन से नफरत होने लगी। मुझे लगा मामा की डांट की वजह सिर्फ जैन है। मामा, 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 आज हमारे स्कूल में रेसिंग कॉम्पिटिशन था, मैंने हमजा के साथ साथ सबको हरा दिया। कोई बात नहीं बेटा, खेल में हार जीत तो होती रहती है। ठीक कहा तुमने महरीन, आज जैन ने हमजा को हराया है, कल हमजा जैन को हराएगा। नहीं, मैं कभी नहीं हारूंगा और किसी से भी नहीं हारूंगा। अच्छा बस, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ओके मामा। हमजा बेटा जाओ, आप भी फ्रेश हो जाओ। तुमने मेरी कहीं कोई इज्जत नहीं छोड़ी, हर जगह मुझे बेइज्जत करा के रखा हुआ है। सॉरी मामा, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या आइंदा ऐसा नहीं होगा? अब जाओ जाकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जी मामा। क्या जी मामा, खबरदार जो तुम्हारे इस बार जैन से कम नंबर आए। जाओ। सर हमजा की क्या प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्यों सर, जैन को भी तो आप पढ़ाते हैं, वो तो टॉप करता है, और एक ये मेरा बच्चा है जो ठीक तरीके से पास भी नहीं होता। मैम, आईक्यू लेवल, हर बच्चे का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता। लेकिन सर प्लीज आप कुछ करें, कम से कम अच्छे नंबरों से मेरा बच्चा पास तो हो जाए। मैंने आपसे कहा ना, आप टेंशन ना लें, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती ये जैन से हर चीज में पीछे क्यों है, ना खेल कूद में उससे आगे, ना पढ़ाई में, किसी एक चीज में भी अगर ये उसे अच्छा होता मुझे बहुत खुशी होती। मामा की बातें सुनकर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। एक दिन जब मेरा रिजल्ट आया तो मामा। अरे जैन आ गए तुम? जी मामा, आज हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ है।
दिल करा जैन को छत से नीचे फेंक दूं, इसीलिए मैंने जैन को कॉल करी और बहाने से घर पे बुलाया। हमजा? हाँ, हेलो जैन, कहाँ हो तुम? मैं ग्राउंड जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। अच्छा, क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? अभी इस वक्त? हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बता भी दो कहाँ है मेरा सरप्राइज? इतनी भी जल्दी क्या है, मिल जाएगा तुम्हारा सरप्राइज। यार बात वो नहीं है, मैं मम्मा को बता के नहीं आया था, इसलिए वो परेशान होगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम हमेशा ऐसा करते क्या हो जो तुम टॉप करते हो? बस मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद हो जाता है। मैं भी तो घंटों घंटों पढ़ता हूँ लेकिन कुछ भी याद नहीं होता। मेरे पापा कहते हैं अल्लाह मियां ने सबको अलग अलग दिमाग किया है, किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को देर से। अच्छा अब तो बता दो सरप्राइज है कहाँ? तुम्हारा सरप्राइज वहाँ। वहाँ पर? हाँ चलो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है और अब तुम भी नहीं रहोगे। अब मेरी मामा मुझे कभी भी नहीं डांटेगी। अब मैं जैन से कभी भी नहीं हारूंगा और ना मेरी मामा मुझे डांटेंगे। चुप कर जाओ मेरी, जो होना था वो हो चुका, अपने आप को संभालो। हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं जो बजाहिर बहुत छोटी लगती हैं लेकिन उनका अंजाम बहुत भयानक होता है। हमारी एक गलती की वजह से न जाने कितने ही हमजा जैन से परेशान हैं और उसे सरप्राइज देने का सोच रहे हैं। ATV, सारे रंग हमारे।